हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ना कि सिर्फ ये केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको रियल लाइफ में जानना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। वेल, बायोमोलिक्यूल्स में कवर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स इसमें से डिलीटेड हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे एमसीक्यूज फ्रेम किए हैं जो आपको बोर्ड में आएंगे, ताकि आप अच्छा इसमें से स्कोर कर सको। सो जैसे आप जानते हो, बायोमोलिक्यूल्स में मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग है, प्रोटीन्स जो है बॉडी बिल्डिंग है, और न्यूक्लिक एसिड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। इट सेज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज ऑफ द जनरल फॉर्मूला। वेल, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के साथ प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CXH2OY। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन प्लांट किंगडम। सो प्लांट किंगडम में प्रेजेंट होते हैं, उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम, एक्सक्लूसिवली इन द प्लांट किंगडम। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड वो होता है जो दो मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन करके बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में लॉन्ग चेन्स भी होती हैं, डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड, कितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो इनमें से जो डाइसैकेराइड है वो है सुक्रोज, जो कि कंबाइंड फॉर्म है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज सूटेबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनहेक्सेन। सो ग्लूकोज को अगर आप एनहेक्सेन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसमें डाला जाता है फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये ग्लूकोज को 6 कार्बन की लॉन्ग चेन में कन्वर्ट कर देता है, जिसका ये मतलब है कि जो ग्लूकोज के 6 कार्बन हैं, दे आर नॉट ब्रांच्ड, दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लॉन्ग चेन। नेक्स्ट इज, Which of the following tests is not given by glucose? कौन सा टेस्ट ग्लूकोज नहीं शो करता है? Well, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वो टॉलरेंस टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, ये सब शो कर सकता है। लेकिन ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म में चेंज होने के कारण कुछ टेस्ट वो नहीं शो कर पाता है, जिनमें से है 2,4-DNP टेस्ट और शिफ्ट टेस्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू शो 2,4-DNP test and shift test. Next question is, which of the following statement about glucose is or are correct? First statement says that it is an aldohexose. बिल्कुल, वो एक aldehyde है और 6 carbons उसमें होते हैं. It is dextrorotatory, that is it rotates the plane polarized light towards the right. Third option says that it is found in our blood as a source of energy, which is also correct. So D इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स ऊपर लिखी हैं सभी इसके लिए करेक्ट है. नेक्स्ट इज, वी गेट डैश ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड। सो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से हमें ऑब्टेन होता है अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के कॉन्टिन्यूस लिंकेज से ही हमें मिलती हैं प्रोटीन्स। Next is, to which position in NH2 group attached in a protein? So NH2 group जो है वो protein में alpha position पे present होता है। जैसे carboxylic acid है आपके पास, इसका जो alpha carbon है इसके ऊपर NH2 group attached होता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये alpha amino acid है। So A is the correct answer. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइरल। काइरल वो होता है जिस कार्बन पे चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हों। तो इनमें से जो ग्लाइसिन है वो काइरल कंपाउंड नहीं है, क्योंकि उसके दो तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तरफ एसिड ग्रुप और एक तरफ अमीन ग्रुप। सो दो सेम ग्रुप्स दो तरफ प्रेजेंट होने की वजह से, मतलब एक सेम ग्रुप दो तरफ प्रेजेंट होने की वजह से वो काइरल नहीं हो पाता।
So C is the correct answer, which of the following is not a globular protein. Globular protein वो होती है जो spherical होती है shape में और water insoluble होती है. तो इनमें से keratin globular protein नहीं है क्योंकि वो water insoluble है और वो globular नहीं होती, spherical नहीं होती, linear होती है. Next is, which is the minimum number of amino acid does a normal polypeptide can have? तो minimum number जो polypeptide में हो सकता है amino acid का, that is 100. 100 से ज्यादा होगा तो वो protein मानी जाती है, otherwise नहीं. There is an exception to it, which is insulin, which just has 51 amino acids, still it is considered as a protein. But वो molar mass पे भी depend करता है कि molar mass 10,000 के around होना चाहिए. So C is the correct answer, 100 is the number. Then the peptide bond is formed by elimination of, see जब भी peptide bond बनता है दो amino acids के बीच में, तो जैसे आपको पता है amino acid में एक तरफ आपके पास acid group होता है और एक तरफ amine group होता है. So इस तरीके से हम बनाते, एक तरफ amine group हमने attach किया है और एक तरफ हम carboxylic acid group अटैच कर देते हैं. तो जब भी दो अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं तो एसिड में से OH एलिमिनेट होता है और अमीन में से H एलिमिनेट होता है और ये वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाता है तो पेप्टाइड बॉन्ड, द CO एंड NH बॉन्ड फॉर्म होता है. तो यस, दिस इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो A इज द करेक्ट आंसर. Next is, name the type of bond that gives rise to secondary structure of a protein. तो protein के structure में secondary structure जो बनता है जब coiling होती है या pleats बनती है तो उनको stabilize करने वाला bond होता है hydrogen bond. Next is, which of the following gives nucleotide along with sugar and phosphate group. So nucleotide कब बनता है, जब sugar, base और phosphate combine करते हैं. तो इसमें already sugar और phosphate group है तो nitrogenous base की कमी है, जब वो मिल जाएगा आपको मिल जाएगा nucleotide. So C is the correct answer. Then is, nucleotide are joined together by, so sugar, phosphate और base जो है वो दूसरे sugar, base और phosphate groups के साथ जब combine होते हैं तो इनके बीच में जो bond बनता है that is called phosphodiester bond. So C is the correct answer. Next is, type of linkage which is present in nucleotide is, so nucleotide को join करने वाली linkage है phosphodiester bond. ठीक है, nucleotides आपस में जिस linkage से जुड़ते हैं उसको हम phosphodiester linkage का नाम देते हैं. Next is, which base is complementary to adenine in DNA? तो जो base adenine के साथ combine करता है DNA में, that is thymine. A और T आपस में joined होते हैं double bond के through. Next is, which of these compounds is not a biomolecule? Neuron, carbohydrate, proteins या lipids? So neuron जो है वो एक biomolecule नहीं है, वो body का सबसे बड़ा cell है लेकिन वो biomolecule नहीं है, वो nerve cell होता है. So A is the correct answer. Next is, what are called the building blocks of proteins? So proteins बनते हैं जब amino acid groups आपस में जुड़ते हैं. 100 से ज्यादा होने चाहिए number में और 10,000 के around होना चाहिए mass इनका, तभी ये बन सकते हैं proteins. Next है, the linkage which joins the amino acids is known as, amino acid जब आपस में मिलते हैं तो जो CONH लिंकेज बनती है उस तरह की लिंकेज को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज. फिर है, द टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ऑल अमाइनो एसिड्स आर, अमाइनो एसिड में जो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं
देखिए, जब आप अमाइनो एसिड बनाते हो, इसी के नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें एक तरफ होना है अमीन ग्रुप और एक तरफ होना है एसिड ग्रुप। तो दो फंक्शनल ग्रुप जो आपको इसमें अमाइनो एसिड में मिल रहे हैं वो है NH2 और COOH। NH2 को बोलते हैं अमीन और COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा अमाइनो एसिड। सो अल्फा अमाइनो एसिड में क्या है कि जैसे ये COOH ग्रुप होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड की आयन है ये, इसका ये वाला जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर NH3 पॉजिटिव ग्रुप है, तो मतलब ये अल्फा पोजिशन पे अमीन ग्रुप लगा है। सो यस, इट इज अवर अल्फा अमाइनो एसिड। और सिमिलरली ये यहाँ पर आपका एसिडिक ग्रुप है और ये अल्फा पोजिशन पे यहाँ पर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी अल्फा अमाइनो एसिड है। तो इसमें बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज द बीटा प्लीटेड शीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है कि ये जो प्लीट्स हैं साड़ी की ड्रेपरी की तरह, इस तरह से प्लीटेड फॉर्म में अमाइनो एसिड की चेन जो है वो प्रेजेंट होती है, और आपस में जो कार्बोक्सिल ग्रुप का सी डबल बॉन्ड ओ है और अमीन ग्रुप का NH2 ग्रुप है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज्ड होते हैं, राइट। सो ये जो बीटा प्लीटेड है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ फाइब्रस प्रोटीन। नेल्स, वूल, स्किन, वेल ये सभी फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन वो होता है जो अनब्रांच्ड होता है और वाटर में होता है इनसोल्यूबल। लीनियर अनब्रांच्ड वाटर सोल्यूबल, सो ऑल ऑफ देम आर फाइब्रस प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड। वेल अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करती है प्रोटीन का वो वही है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर की कॉइलिंग हो जाती है, बस उसमें कुछ नया कुछ भी नहीं, डिफरेंट कुछ भी नहीं, यही स्ट्रक्चर जब कॉइलिंग कर लेता है तो सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी बनता है। सो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो बेसिक बनाता है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।